तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है अपाच के प्रोज के बारे में, कि क्यों आपको एक तो एक गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, और क्या क्या इसकी अच्छी बातें वो सभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें आता है एक 149 cc का ऑयल कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 17.55 PS की पावर 9000 RPM पे और 14.2 Nm का पीक टॉर्क। तो ये जो इंजन है अपनी सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर इसमें 160 सेगमेंट में, और जो इसका RPM है वो भी लगभग 11500 RPM के ऊपर चला जाता है अगर हम हाई ड्राइव करें तो। नेक्स्ट इसका प्रो है इसकी ब्रेकिंग। इसमें सिंगल चैनल ABS आता है, अभी डुअल चैनल ABS का भी वेरिएंट अवेलेबल है। तो जो ब्रेकिंग है इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है, और जो पीछे की ब्रेकिंग है वो भी ठीक ठाक है। टायर मतलब इसका स्पीड कर जाता है लेकिन गाड़ी आराम से रुक जाती है। फ्रंट ब्रेक की बाइक भी सही है, और जो फीडबैक है वो भी फ्रंट ब्रेक का अच्छा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आते हैं आपको दोनों साइड एडजस्टेबल लीवर्स। तो आपके अगर हाथ छोटे बड़े किसी भी साइज़ के तो यहाँ से आप इसको 3 स्टेप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी 2 का सेट है, तो थोड़ा सा ये और दूर चला जाता है। जैसे हम इसको 3 पे करेंगे, 3 पे करते ही और ही दूर चला जाएगा, और जैसे 1 पे करेंगे तो सबसे पास वाली सेटिंग पे आ जाएगा। और ये दोनों साइड यहाँ पे ये एडजस्टेबल ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद इसके मीटर पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि आपको 3 राइड मोड्स मिल जाते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट। ये रहा क्यों नहीं हो रहा, ये रहा स्पोर्ट, रेन और अर्बन मोड। और इसमें आता है मीटर में नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और बाकी से ज़्यादा ये वेस्ट टेलीमेट्री जो है हमारी वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। कितनी हमने एग्रेसिवली ब्रेक किया है, कितना हमारा लीन एंगल हो गया, वो सब कुछ चीज़ें इसमें आ जाती है। उसके बाद इसकी जो ये फ्रंट LED DRL है वो भी दिखने में काफ़ी सही लगती है दिन में, और इसकी हेडलाइट का थ्रो भी अच्छा है। अपनी सेगमेंट के कुछ गाड़ियों से थोड़ा सा कम है लेकिन आपका पूरा काम चला देगा। और नेक्स्ट इस गाड़ी की सबसे बढ़िया बात जो कि इसका एग्जॉस्ट, तो इसमें कंपनी ने दिया है ऐसा बुलपथ एग्जॉस्ट जो कि एक अच्छी और बेसी साउंड आपको बना के देता है एग्जॉस्ट से। एक बार एग्जॉस्ट सुना देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आवाज़ इसकी काफ़ी बेसी है, काफ़ी लाउड है, तो फिर गाड़ी चलाने में इसकी वजह से मज़ा आता है। एक बार रेव करके दिखा देता हूँ, हायर RPM पे जाने के बाद इसकी साउंड स्पोर्टी से आती है, तो आपको हाई स्पीड में चलाने में भी मज़ा आता है। नेक्स्ट इसका जो प्रो है इसके दोनों टायर्स, ये देख सकते हैं ये पीछे का टायर आता है 130 सेक्शन का, और मेरे को ये इसकी ग्रिप भी बहुत सही लगती है, लीन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और जो फ्रंट टायर है उसकी ग्रिप वगैरह तो अच्छी है लेकिन थोड़ा सा पतला है, लेकिन ठीक बात है भी, टायर अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बाकी कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं इसमें। उसकी जो सीट है वो भी सही है, तो मतलब अच्छी कुशनी सीट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है जैसे कि KTM वगैरह में आती है, देख सकते हैं। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा स्पोर्टी आता है, एकदम कम्यूटर जैसा नहीं आता। एक जो स्पोर्ट्स नेकेड बाइक होती है उस तरीके का इसका राइडिंग पोस्चर आता है। और जो और एक लास्ट चीज़ जो कि हाई स्पीड में बहुत ही गाड़ी को स्टेबल रखती है वो है इसका सस्पेंशन। तो इसमें पीछे मोनोशॉक अब्सॉर्बर आता है और आगे फ्रंट में टेलीस्कोपिक, तो जो दोनों सस्पेंशन है वो अपनी जगह पे काफ़ी सही है। एक प्रॉब्लम फ्रंट सस्पेंशन में है वो मैं कौन सी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन जो पीछे का है वो बहुत बढ़िया सस्पेंशन है, हाई स्पीड में आपको अच्छी स्टेबिलिटी देता है, बाइक बिल्कुल भी हाईवे पर झूलती वूलती नहीं है, तो एक बहुत सही बात है इसकी। तो ये सब बातें थी जो पॉजिटिव मेरे को लगे इस बाइक के, और जो नेगेटिव्स की वीडियो है वो भी इसके बाद आएगी। तो
तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? थैंक यू।